एक लड़की है तुषार से शादी करना चाहती है। हवा कर, तुझे भी 1000 दूंगा। हवा कर ऐसे ही भाई। बहुत ही तेज भूख लग रही है गाइस, इतना सच में उम्मीद नहीं थी। और देखो मैंने अपने सारे बैग निकाल लिए। मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरी बेइज्जती ऑलरेडी हो चुकी है। ये तो 200 बाट बोल रहे हैं टैक्सी वाले मिलके। बता बस, धूप से बच जाए, टैनिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। ओए लखनीत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब चेकआउट हो रहा है। यहाँ पर हमारे सारे बैग्स चले गए हैं और सब लोग नीचे भी चले गए हैं, है ना, ब्रेकफास्ट करें हम लोग। टाइम तो उठ गए सब लोग, टाइम पे रेडी हैं आज। एक फाइनल चेक हो रहा है बस, यहाँ पर कुछ सामान रहा ना हो। ये बैग तो नीतू लेकर जाएगी, नीतू का फोन है, बाकी सब तो डन है। तो आज फाइनली हम लोग होंगे फुकेट में। फुकेट में बहुत ज्यादा फन होने वाला है और देखते हैं इस बार फुकेट में अपने क्या क्या करने को मिलेगा। और ज्यादा अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो तीनों लोग, चारों लोग सॉरी, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। नीतू, तुझे सबसे अच्छी जगह थाईलैंड में कौन सी लगती है? मुझे तो यही अच्छा लगता है। सच्ची? हाँ। फुकेट अच्छा लगा तेरे को? फुकेट में बहुत नॉइज है, मुझे यहाँ पर शांति मिलती है। तो शांति के लिए थाईलैंड कौन आता है भाई? क्या बकवास बातें करती है तू यार। गाइस, जिस होटल में हम रुके हैं यहाँ की लिफ्ट ऐसी है कि अपनी मर्जी की मालिक है, किसी भी फ्लोर पर उतार देती है कई बार तो। और एक बार अगर बंद होने लग गए उसके दरवाजे, तो बीच में चाहे कुछ भी रख दो उसको प्रेस ही कर देगी। बिल्कुल हाइड्रोलिक प्रेस है ये। जब हम पहले दिन आए थे तो देख के सोच रहे थे कि कितना हम एक्सप्लोर करेंगे जापानीज फूड, बट मोस्टली जो था वो नॉन वेज था, तो हमारा मूड ऑफ हो गया। कीर्ति को यहाँ पे जॉब मिल गई है ब्रेकफास्ट वाली जगह। मैम, रूम नंबर इज 1659। हाय मैम, क्या क्या है आपके होटल में आज? आज कुछ भी नहीं है, आज आपको सिर्फ ब्रेड से काम था। किससे? ब्रेड से। सिर्फ ब्रेड है आज? अरे यार, इस अब एयरपोर्ट पे खाएंगे कुछ यार, क्या करें यार, परेशान आ गया हूँ मैं इस होटल से। कोई बात नहीं यार, खुदा के बैठ गए। हाँ कोई बात नहीं यार। भाई, सबको भगवान लाइफ में कैसी बहन जरूर दे। मेरे आने से पहले मेरे लिए कॉफी मंगवा के रख रखी इसने यार। कुछ तो बात है तेरे में यार। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। कितना डाउन टू अर्थ होता जा रहा हूँ मैं। इतनी भी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग नहीं चाहिए थी, सिर्फ कॉफी और वो केक का टुकड़ा छोटा सा, बिकॉज कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब नॉन वेज है। कोई नहीं, एयरपोर्ट पे खाएंगे भाई। चलो गाइस जल्दी चलो, वी आर गोइंग टू फुकेट, फुकेट चलो। तो गाइस, होटल में आते टाइम हमने डिपॉजिट दिया था सिक्योरिटी का 3000 बाट, इंडिया के अप्रॉक्स 6800 के आसपास पड़ेंगे। वो मैं वापस ले लूँगा, दी तो दीदी ने दी सिक्योरिटी मनी, रख मैं लूँगा। अरे चलता है भाई। और वैसे देखो, वो जिस हिसाब से मैं खड़ी है ना, उसको पता भी नहीं है कि कुछ सिक्योरिटी वाला सिस्टम भी है यहाँ पे। उसको भेज और देता हूँ। बहन यार, तुम लोग जाए गाड़ी में बैठो ना यार, जाओ। कार आई नहीं। जा, आ गई है यार, ये अपनी कार है, देखो ना सामान रखा जा रहा है उसमें। जा बाय, जा दीदी। गई, कितनी भोली है यार ये। तुषार, दीदी कह रही है वो लेके मेरे को दे दियो। ला भाई ला, थैंक यू यार, थैंक यू। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। ओहो, ऊंची का कारपेट, इतने मीर हम लोग। हम लोग नहीं, ये लोग। अच्छा सुनो, तुम दोनों को एक ऑफर है मेरी तरफ से। यहाँ से एयरपोर्ट 15 मिनट का रास्ता है, ठीक है? थोड़ा सा मेरा नेक पेन हो रहा है, जो भी मसाज कर देगा, सुनो, अरे बात सुनो ना, है फ्री में नहीं करा रहा, उसको 1000 रुपए, 1000 बात यहाँ के। सॉरी, सारे पैसे मेरे पास है। 1000 बात, थोड़ी देर मसाज कर दी बस मेरे। आ जा ले, मैंने पैसे पहले लिए। आ जा बहन, आ जा जल्दी ले लिए ना, ऐसे ऐसे अपनी बात से नहीं करते, थोड़ी देर मसाज कर दे मेरी। सबसे पहले हम उठे हैं आज। हाँ, तुमसे पहले हम उठे हैं आज। हाँ हाँ, तुम उठे हो, कल की हाँ न्यूज़पेपर में भी निकलेगा यहाँ के। निकलना चाहिए, हम लोग उठ गए थे 5 बजे। चल चल, पैसे नहीं है, मुकरियो मत, वरना लोग कहेंगे देखो कीर्ति कैसी है। आ जा, देखा यार, कर दे। हाँ 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 हाँ, हवा कर, तुझे भी 1000 दूंगा, हवा कर ऐसे ही। बहुत बढ़िया, पूनम बहन, तू सर दबा पूनम दीदी। हाँ 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 हाँ, तुझे भी 1000 दूंगा, गुड। कहाँ चली गई, वो तो दबाई नहीं रही है। ये इसको बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। क्यों? इसे बोलते पैसा डोमिनेटेड सोसाइटी, समझी? पैसा दिया मैंने मसाज कराने का, गुड। भाई हमारी सबकी सीट फिक्स्ड है, ठीक है, मगर रोहित की नहीं है बेचारे की। रोहित पीछे से आगे आगे, कौन किसका है, इंसान है। चल बहन, एक बार ये तो बोल दे, भगवान सबको ऐसा भाई दे, तेरे को 1000 बाट दे दिए मैंने सुबह सुबह। ये तो बोल दे, मैं तेरे से फ्री में भी करा सकता था। यस डीएम के। सो हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए, बहुत ज्यादा टाइम से आ गए, इतने टाइम से भी नहीं आना होता। सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिला, हमने रात को जो अज्यूम किया था वो टाइम बिल्कुल नहीं लगा अपने को। अपने बैग के लॉक पे दोबारा से क्रैक दिख रहा है मेरे को, बस भगवान करे ये ट्रिप झेल जाए। ये जो मैंने बैग लिया था रिमोवा का, ये हमने यूरोप ट्रिप पर लिया था, ये वही बैग है जो 2 लाख का पड़ा था अपने को, बट इसकी ना लाइफ टाइम वारंटी है। एक बार इसका और लॉक टूटा था जब हम लोग रायपुर गए थे, तो आके फ्री में चेंज करके दिया उन्होंने। बट ये क्या ना, आपने देखा होगा नीतू इसके ऊपर बैठ भी जाती है, इतना स्ट्रांग है ये,
उसके लॉक में दिक्कत है बस। भाई यहाँ अपने को यार एक्सेस लगेज हो गया था, 45,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे, इसीलिए हम लोग इस वाले बैग को थोड़ा खाली करके दूसरे बैग में सामान रख रहे हैं जो हम ले जा सकते हैं। तो अब अपना बैठ रहा है करीब 35,000, जो पहले 45,000 था, 10,000 का हमने अपना सेविंग कर लिए। गाइस इतना सच में उम्मीद नहीं थी, और देखो मैंने अपने सारे बैग्स निकाल लिए, 3-3 बैग मैं कैरी करूंगी अब वहाँ उस वाले एयरपोर्ट पर, कि इनकी एयरलाइन बहुत गंदी है। मैम ये चीज़ें निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आई नो इसने निकाला है वो सब, मैंने किसी को देख के निकाला। तो हम लोग आ चुके हैं 52 गेट, यहीं से हमारी बोर्डिंग होगी। पता नहीं इन्होंने किसकी फाइनल कॉल सुन ली और भागे भागे आए, जबकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतू कुछ भी नहीं है यहाँ तो, बट एक चीज़ सही है कि थोड़ा जल्दी आ गए तो बैठने के लिए जगह मिल सकती है। अभी देख दीदी कहाँ बैठी है। चलो गाइस फाइनल कॉल चल रही है, एक किसी के सामान रखें। ये चश्मा वो कांजो तूने यहाँ से कल खरीदा था, उसमें वो पावर का नहीं है ना। अच्छा निकाल दे। दीदी तो पहुँच गई, लाइन में लग गई है। चलो भाई रोहित भाऊ आ जाओ। भाई कंजी को देखो, आके सबसे पहले विंडो सीट ले ली है इसने। तो मैं यहाँ पे अपना व्लॉग देख रहा हूँ, फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, और टेक ऑफ होते होते ही व्लॉग मेरा बीच में ही बंद हो जाएगा। आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई कर रहा था यहाँ पर। हेलो सर, वेलकम टू पताया, सॉरी फुकेट, वेलकम टू फुकेट, वेलकम टू फुकेट, वेलकम टू फुकेट, या फुकेट फुकेट फुकेट। गाइस हम लोग लैंड होने के बाद ऐसे अफसर की तरह आ रहे थे बाहर, जैसे हमारे लिए गाड़ी वेट कर रही होगी। लास्ट है ये वाला हमारा जो कार रेंटल वाला है, इसके बाद तो हम सीधा बाहर ही जाते हैं, वहाँ टैक्सी ढूंढ रहे होते। अच्छा हुआ टाइम पे आ जाएगा, अपने को टैक्सी भी करानी है। तो यहाँ पर हम लेज लेने के लिए आए हैं क्योंकि लगन को भूख लग गई ना। लक्सो प्रिंगल्स ले लूं? प्रिंगल्स लेकिन खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रहे लेज, मैंने पानी की बॉटल ले ली है और दो ये ले लिए कैशो एंड अमृत। भाई बहुत ही तेज भूख लग रही है, सच बता रही हूँ, मन कर रहा है कुछ भी मिल जाए तो अभी खा लूँ, बर्गर भी कुछ भी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मुझे इंडिया। हाँ ओरियो बिस्किट ले लो यार, हर एक चीज में नॉन वेज है, तो बड़ा ही सोच समझ के पिक करना पड़ा। पूनम दीदी भी आ गई, क्या चाहिए? तो हमने ले लिया है खूब सारा सामान खाने पीने के लिए, अब यहाँ से चटर पटर करते हुए जाएंगे पूरे रास्ते। पहुँच गए हम होटल में और अब हम करेंगे चेक इन, सामान निकाला जा रहा है हमारा, यहाँ पर सब चेक इन करेंगे। सो दीदी को डर लग रहा है कि उनको बताया हुआ होटल खराब ना हो। हाँ वैसे हम दोनों का है तो खराब नहीं होगा। चलो मैं आगे दिखाती हूँ क्या क्या है। सामने ही रिसेप्शन के सामने ही आपको पूल दिखेगा और उसके सामने ही आपको बीच दिखेगा। वाओ जिस होटल में हम अभी आए हैं, रिजॉर्ट है ये, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमने चेक की हुई था कि इंडियन फूड मिलता है या नहीं। इंडियन फूड है यहाँ पे लकीली, और इंडियन शेफ भी यहाँ पर है, हम उनसे भी मिलेंगे। और ये जो है बांग्ला मार्केट है या बांग्ला रोड है, उसके बहुत पास है, आई गेस यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है बस वहाँ तक का, क्योंकि वही एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहाँ हम लोग ज़्यादा घूमेंगे और हम बीचेस एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से कुछ अच्छे व्यूज़ भी हैं जो हम कैप्चर करके आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर व्यूज़। इन्होंने होटल वालों ने आते ही हमारा नुकसान करा दिया, क्योंकि यहाँ पर चेक इन के टाइम पर ये भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं। दीदी चेक इन करा रही, उसको जस्ट अभी याद आया कि सिक्योरिटी हमने वहाँ भी दी थी। मैंने कहा दी तो थी 3,000 रुपये, जो मैंने तेरे को 1,000 दिए थे उसमें से ही थे, तो अब क्या इसने मेरे से 3,000 ले लिए। 1,000 तो सुबह मिल गए इसको, 3,000 और ले ली वापस। ज्यादा चालाक मत बनना भाई बहनों के आगे। भाई मजा आया, ये ले क्या करेगी इतने पैसों का, मुझे दे देती, दुआ लेगी तू मेरी। यार यहाँ पर एक इशू और है कि 3 बजे का चेक इन टाइम है, हम लोग आ चुके हैं 1 बजे, 2 घंटा अपने को वेट करना, और यहाँ पर तो गर्मी बहुत है, तो हम लोग इनका एक वेटिंग एरिया वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शायद एसी वैसी चल रहा है। ओह थैंक गॉड, यहाँ ठंडक है। ये है यहाँ का वेटिंग रूम, हमें खाने को मिलेगा पीने को मिलेगा, जैसे कि हम एयरपोर्ट में जाते हैं और हमें एक लाउंज है। हाँ वैसे ही यहाँ से व्यू यार, इसको तो आप पूरे टाइम ही देखते हो, मैं आपको अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ, देखो है ना अच्छा व्यू एकदम, है कि नहीं। तो ये यहाँ की वेलकम ड्रिंक है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छी ना हो, क्योंकि अगर अच्छी हुई तो मैं आपको पता है फ्री की चीज़ इतना परेशान करूँगा इनको कि ये परेशान ही हो जाएंगे, वेलकम ड्रिंक देना ही बंद कर देंगे। इनका बैड लक, हमारी पूनम बहन के सर में दर्द हो गया है,
पूनम बहन पता है इसीलिए बोलते जो भी खाली चीज होती है ना उसमें हमेशा दर्द होता है पता है तुम्हें। चल रहे सच्ची बता रहा हूँ। नहीं भरा हुआ है तुम्हारा ना भूसा। तो गाइज हम अपने टाइम का यूटिलाइज करेंगे, हम लोग जा रहे हैं यहीं पर जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ कुछ खाएंगे, लंच भी हो जाएगा हमारा और जो वेटिंग एरिया वो भी पूरा हो जाएगा। वेटिंग एरिया का वेटिंग टाइम पूरा हो जाएगा, फिर हम चेक इन करेंगे, चेंज करेंगे और बाहर एक्सप्लोर करेंगे। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा एडवांस थे ना, उन्होंने ऐसी ऐसी कहावतें लिख दी जो कि अब जाके सूट होती। जैसे कि मेरे पे कहावत सूट हो रही है इस टाइम पे, लौट के बुद्धू घर को आए। मेरे पूर्वजों ने पहले लिख दी थी मेरी हालत देख के। हम गए यहाँ से वहाँ तक और दोबारा वापस आए क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ इंडियन फूड के नाम पर एक शोरमा था वही खा सकते हो आप। इधर ही कुछ कर लेते हैं। सच्चा वाओ, ये है हमारा मच अवेटेड विला जो हमने बुक करा है। यहाँ पर कार्ट से जाना होगा, बाकी लोगों को भी टाइम लग जाएगा। हम लोग जल्दी से विला पर जाएंगे और हम लोग जल्दी से चेंज करेंगे। मैं तो ना कर आया हूँ सुबह सुबह, इसे सुना नहीं शायद। नीतू भी ना कही, वैसे मैं शेड ही रहा था। अरे तू ना कही ना तुम्हारे नीतू, मेरे ख्याल से काफी दूर ले आया यार हमें ना, जाने के लिए भी कार्ट ही बुलानी पड़ा करेगी। इफ वी वांट टू गो वी हैव टू कॉल कार्ट। आई कॉल जीरो कार्ट देन आई गो। ओके ओके आजा भाई चलो। ओके ओ दिस लुक्स ब्यूटीफुल। ओ वाओ गुड, वो काफी बड़ा है यार, नाइस। ओके इसमें यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो बाथ टब है और मतलब नहाने के साथ सोने के साथ में कौन बाथ टब में नहाएगा पता नहीं, होते होंगे भाई तभी तो है। ये नॉर्मल शावर के लिए, ये यहाँ पे टॉयलेट सीट, ये वॉश बेसिन और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की जो यहाँ का यूएसपी है वो ये है, नहीं तो यहाँ से खुलेगा आ जाए, वो है ये अटैच्ड पूल हमारे विला के साथ। ओह माय गॉड, अच्छा लगा तेरे को? रास्ता की यार महंगा ही है अभी तो। गाइस ये मैंने कैप खरीदी थी यहीं थाईलैंड में आके, बाहर देखो कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है। मैंने टी शर्ट तो चेंज कर ली, सोच रहा हूँ ये कैप जैसे वो घूमते ना फॉरनर्स हमारे इंडिया में, ऐसे मैं फॉरनर बन के थाईलैंड में घूमूँ, कैसा लग रहा है बताना। बस धूप से बच जाए, टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और धूप से तब भी नहीं बच रहा, धूप तो सामने को पड़ रही है यार। जितना बचेगा उतना ही चलेगा, कोई नहीं। लगा लो यार प्लीज। क्यों क्यों मजाक बना रही मेरा? अच्छे खासे कॉन्फिडेंस की तूने देख ऐसे ऐसी कर दी ना। मैंने वो लगा के इसको दिखाया, मैंने कहा नहीं तो मैं ट्रैवलर से लग रहा हूँ ना भाई, हंसने लगी, मैंने उतार दिया। कोई बात नहीं, चश्मा भी थोड़ा बहुत बचा लेगा धूप से तो। गलत बात है यार ये, देखो एक बात ये तेरे लगा के दिखाता हूँ। वेट 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 मैं लगा लूंगी खुद से, छोटा वाला ये आ गया, ये आ गया। अरे धूप से, अरे बाल भी कट जाएंगे मेरे, छोड़ यार तूने इतना मजाक बना दिया, अब नहीं पहन रहा मैं, छोड़ा मैं ऐसे ही चल दूंगा। ये मैंने इसे लगा, यहाँ पे कैमरा लगा लूंगा और यहाँ से शॉट्स लेता रहूंगा। तो गाइज वैसे तो मैं सनस्क्रीन लगाता नहीं हूँ, पर धूप इतनी तगड़ी वाली है बाहर, मैंने इतनी सनस्क्रीन लगाई है कि अगर वो ना चाहते हुए भी लगानी पड़ेगी। सूरज को ही गोरा कर दूंगा, सूरज मेरे सामने पड़ेगा ना वही गोरा हो जाएगा, इतनी सनस्क्रीन लगा ली मैंने, बालों पे भी लगी थोड़ी बहुत। तो चले ट्रोलर, ट्रोलर चले। यस, इतना बड़ा विला लिया है और पानी की बॉटल सिर्फ दो दी है, वो भी छोटी छोटी सी थी, मतलब ये बॉटल थी देखो पिचका भी दिया, अब इसमें है थोड़ा सा, इतना तो पी ले, बाकी बाहर चल के भी ले लेंगे। ले अरे ले यार, लेट्स गो। वेयर आर यू गोइंग? इंडिया। नो आई मीन वेयर आर यू गोइंग? लॉबी। लॉबी ओके। अच्छा तो पूछो वेयर आर यू गोइंग तो लगा था मतलब। गाइस यहां पे बस एक ही चीज खराब है कि सबके रूम बड़े दूर-दूर है, हमें कार्ट वहां से लेकर आई है, शायद दीदी को इस बिल्डिंग में रुकवाया है, तुषार को इस बिल्डिंग में, कुछ ऐसा सीन है। हम लोग वेट कर रहे दीदी का, देखना कितना लेट आएंगे। अच्छा वो लोग इसी बिल्डिंग में है क्या? अलग अलग है सबके विलास, नहीं पता। गाइज मेरे को छोड़ के सब लोग चले गए, बट मैं यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे शॉर्ट्स ले रहा हूँ जो मैं यहाँ डालने वाला हूँ, चेक करना इतना अच्छा स्काई का कलर आ रहा है, सबका कलर आ रहा है। आप शॉर्ट्स देखो एक बार जो मैं भी लेने वाला हूँ अपने 360 कैमरा से। लुक एट दिस गाइज, और ये व्यू देखो एक बार यार, जो मैं सामने देख रहा हूँ वो भी देखो, जो मेरे पीछे है वो भी देखो। तो गाइज हम लोग अब बीच पर जा रहे हैं, रूम पर आया था मैं चेंज करने, चप्पल मैंने पहन ली, कंजी मेरे रूम में आई बिकॉज इसके पास जो इसका चश्मा है वो बहुत इसके चेहरे से बड़ा, ये वाला ठीक है अब देखा? ओके ओके। हाँ तो अब ओके ले ले, किसका फोन है? नीतू का। एक काम कर बहन, कवर तो ले लिया कर, तू कवर यहीं छोड़ जाती है। अरे मैं अपना फोन मैं खोल देख लूंगा। अरे अरे यार एक मिनट, ये तो रख लो। क्या
नहीं तो फोन लेना तेरा, तूने ही छोड़ दिया। नहीं मत ले, छोड़ दे, की ले ले बस यार। यहाँ तो मत रख, कम से कम फोन को ऐसे तो रख दे। की है कहाँ? मैंने ले ली की, आ जा तू, बंद कर दे इसको, कर दे बंद कर दे गेट। चलकर जी यहाँ बैठ, मैं आगे जा रहा हूँ। यार ये ना इतनी ऊंची चढ़ाई आएगी एकदम से, आप देखना ये अभी तो आने वाली है, रुक जाओ रुक जाओ। सीढ़ियों की तरह आएगी बिल्कुल चढ़ाई। तू भी खुश हो रही भाई चढ़ाई चढ़ने में? चढ़ थोड़ी रही है, तू तो बैठे बैठे पहुंच रही है। अभी चढ़ाई आने वाली है भयंकर वाली। ये देखो, ओ अभी देखना ये वाली तो और भी बड़ी है। ए नीतू कुत्ता किसने बोला? हाँ ठीक है गुड। ए भगवान, 2.0 आ जाओ बस ये आ जाओ गाइस। तो ये हमें 11 मिनट दिखा रहा है, लेकिन ये तो बीच है ही नहीं, बीच तो किनारे पे होता है। नीतू मेरे ख्याल से हमें ना कैब कर लेनी चाहिए, पहले एक बार चल ले, अगर लगा कि पास में तो आएंगे हम पैदल वहाँ से। ये देख एक जगह 11 मिनट दिखा रहा है, एक जगह 35 मिनट दिखा रहा है, और देख ये तो बीच भी नहीं है, तो बीच में है। चले बुक करा लो, बुक क्या करा लो, सामने मिल जाएगी, चलते चलते आ जाओ। हाँ फ्रीडम बीच कितने मिनट दिखा रहा है तेरे में? 500 मीटर तो चल ना। अरे यार मैं तो बता रहा हूँ भाई कि वो ना हो जाए कोई सियापा अपने साथ। हम लोग पता है खुद को ही ऐसा कर दे रहे कि हम वॉक नहीं कर पाएंगे, जबकि हम सब बेटा 35 मिनट हुआ तो समझ, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, मैं वो कह रहा हूँ। तुम्हें तो वॉक करना पसंद ही नहीं। चलो भाई वॉक करके चलेंगे अब, ठीक है पूनम मैन? मुझे उधर जाएंगे ना खाना खाने, तुम वॉक करके जाओगे कैब से पहुंचेंगे। हाँ ठीक है, तेरे को वॉक करना है ना इसलिए। तो गाइस कई बार आप लाइफ में ऐसे मोड पे आते हो कि एक ही टाइम पे आपको खुशी भी हो रही होती है और दुख भी हो रहा होता है, जैसे कि मुझे अभी हो रहा है। खुशी ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं ना इतनी तगड़ी ढलान है वहाँ कि हम अपने आप पहुँच जाएंगे। दुख ये है कि आते में चढ़ना भी इस ढलान पे। देखो क्यों गाइस कैब से आ जाएंगे, हाँ हो जाएगी सबकी वर्कआउट। ये देखो कैसी ढलान है यार। हाँ तुम्हारा वर्कआउट हमने देखा था वहाँ। कहाँ पे देखा था? टाइम पर मेरे को इसलिए चक्कर आया क्योंकि मैं पानी नहीं पी रही थी। ओ गाइस 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 रोहित बाबू, ए रोहित बाबू इधर आ। वैष्णव के लिए क्या लिया तूने? कॉर्ड सेट और एक पर्स। और तू क्या कह रहा था कि अगर लेके नहीं जाऊंगा तो? कान में बता दे कान में। भाई पूरा खौफ है यार, रपट जाते हैं इसमें तो। एक क्यों भौंक रहा है भाई? भाई सोचो अभी आते मैं चढ़ना है वहां तक, मैं यहां खड़ा हूं। ये तो अभी भी 11 मिनट ही दिखा रहा है। नहीं तो 200 baht बोल रहे टैक्सी वाले मिल के, पता 200 baht में टैक्सी मिल रही है। अरे अभी चल के एक बार देख ले। यस यस कम। काश मैं इतना ही लंबा होता। तुषार तू तो अपनी परछाई जितना ही है वैसे। आओ गाइस गाड़ी आ गई, अब 6 जने इसमें एडजस्ट होंगे। चलो 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 चलो। ओए ओए यहाँ 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 तुषार को आगे बैठने दे, वो लंबा है, हम इसमें बैठेंगे चार, एक रोहित को पीछे सरकाएंगे। मैं तो तुषार के लिए तो गेट खोल रही थी। अरे हाँ सॉरी यार, कितनी अच्छी है तू, मैंने गलत समझा तेरे को। मुझे पीछे ना कंजी बजानी, छोटी सी, इसका तो पता ही नहीं चलेगा। के क्या है? कंजी कपूर। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बहन? अरे चार बैठ जाएंगे यहाँ तो यार बहन, उसके बी केयरफुल, पैर मत कुचल दियो। नहीं मैं इतनी पावर नहीं हूं। यू आर, नहीं तू रहे हो। चलो गो गो यू आल्सो गो। चलो ये भी 2.5 हो जाओ, अंदर हो जाओ। ओहो उतर दी, देखो मैं क्या दिखाया भाई, ये हम ATV बाइक चलाई ने या नहीं? आई डोंट थिंक सो कि हमें चलाना चाहिए, बट अच्छा हुआ हमने टैक्सी ले ली, बिकॉज हमें कम से कम आधा घंटा लगता आने का। आधा घंटा लगता नहीं लगा, नहीं ये बहुत पास के से बहुत पैसे ले लिए। चढ़ाई ऐसा भी नहीं है यार, 5 मिनट हमें गाड़ी से लगे हैं भाई, और चढ़ाई देख कितनी है, ये समझती नहीं है, इसको लगता ज़्यादा पैसे दे दिए उसको हमने। चलो गाइस, ओ सॉरी मैं किसी और को कहने लगा। पूनम किति किति मेरा चश्मा यहाँ 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 चल गधी, तेरे तो कुछ चीज़ देनी बेकार है। दीदी मैगी की खुशबू क्यों आ रही है मेरे को? हैं वो ATV लेनी है, ATV ये लेनी है, चलाएं बीच पे? नहीं तो बीच पे ATV चलाएं। तो गाइज हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर लिया, बिकॉज यहाँ पर हमें 100 baht देने पड़ेंगे सिर्फ बीच पे जाने के लिए, क्योंकि इनका प्राइवेट रास्ता है। अगर हम नॉर्मल रास्ते जाएंगे फ्री वाले से तो वो बहुत आगे जाके है, और वहाँ से अपने करीब 20 मिनट लगेंगे। तो इससे अच्छा हम पटोंग बीच चलते हैं, वो बड़ा बीच भी है, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम वहीं चल रहे हैं सीधा। चले ना, कोई ना दूसरी गाड़ी ले लेते हैं भाई, गाड़ी कमी थोड़ी है यहाँ पे, टैक्सी है ना वहाँ लिख रहा है। आ जाओ आओ गाइस आओ,
तो हमारे 200 रुपए तो ये अभी तक नप गए, ठीक है 200 रुपए तो हो गए करीब करीब 460, हाँ 460 के अराउंड हो गए। टैक्सी पतोंग बीच सिख 600 बार नो 100 बार ईच पर्सन नो नो लेस लेस पतोंग बीच इज नॉट फार 500 ओके जस्ट 2 किलोमीटर्स 2 किलोमीटर ओनली नॉट फार यू वॉक नो बट आई टेक कार आई एम पेइंग आल्सो ना आई एम नॉट टेकिंग कार फॉर फ्री हाउ मच कितना 300 यस रोड पे देख लेते हैं कोई यार भाई मैप लगे एक बार कितना दूर है 2.8 किलोमीटर 6 मिनट दिखाना पतोंग बीच से गाड़ी से ना गाड़ी से हां 30 मिनट अच्छा क्या करना है मैं तो जाऊंगा नहीं मेरी बेइज्जती ऑलरेडी हो चुकी है मना करके आ गया हूं मैं तो मैं बोल देती हूं बोलो बोलो 500 आ जाओ रोहित आना देखते हैं नीतू कर पाती है नहीं 500 उसने पहले कर दिया नीतू जाके करिए 500 बटा दो करिए डन हमें 400 तो डिस्काउंट क्या कराया नीतू ने फिर उसको भेजा किसने था हम सबका आइडिया था ना स्टूपिड लो लो आपस में सर मारो आपस में सबकी गलती है हमारी भाई हमारी सबकी गलती है क्या 500 तूने क्या कम कराया भाई मुझे तो लगा तुम 6 कह रहे हो तो मैंने 5 कराया उसने खुद ही 5 कर दिया था वुमन ले 500 बात भी अभी मांग रहा है वरना लेके नहीं जाएगा ठीक है दे दे भाई सब अब चलो यार देखेंगे फिर कंजी पैदल दौड़ा दूंगा नो नो कर रही है एंड टाइम पे ओके कर टर्न इट पैदल जाएगी मैं एडवांस के लिए मना कर रही थी मैं उसको पूरा देने के लिए कहीं उड़ जाए तो भाई दीदी बहुत ज्यादा सोच समझ के चलती है बाहर मैंने तो देख लिया बहाना हमेशा पैसे सोच समझ के खर्च करने चाहिए हम ऐसे लग रहे हैं क्या ये रिटर्न भी लेकर आएगा अपने को अरे क्यों रिटर्न लेके आएगा नहीं तू यार हाँ वहीं से वहीं चलेंगे चलो अपनी अपनी जगह तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ की सबसे ज्यादा इनफेमस या फेमस आप दोनों कह सकते हो स्ट्रीट है यहाँ पर हम लोग आने वाले रात में अभी तो कुछ है ही नहीं नाइट लाइफ है यहाँ पे सिर्फ अभी हम लोग चलते हैं कुछ फूड हंट पे हमारा कहीं इंडियन फूड हमें मिल जाए तो लास्ट टाइम जो हम आए थे ना यहाँ से राइट गए थे कुछ खाने के लिए एक बार नेट पे सर्च कर ले इंडियन काफी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे और सामने पतोंग बीच है रोहित भाऊ यहाँ नशे का सारा सामान मिलता है दूर रहना इसी जगह से तो ये मेरे काम का नहीं है हाँ किसी के काम का नहीं हमारे में से आओ हाँ चल ना गाइस अभी नीतू ने एक रेस्टोरेंट देखा इंडियन कितनी दूर थे यहाँ से 12 घंटे दूर और ये जो रोड जहाँ पर हम अब जा रहे हैं ये फेमस है मसाज के लिए और साथ में यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो ये भी एक तरीके से बड़ी चमक चमक वाली जगह है नीतू 100 मीटर दूर दिखा रहा था यार सब सारे टेंशन में की आ जाती है आओ यार आओ हो गया इधर ही हो रहा अमृतसरी देखिए मैं अरे मतलब मूछे बन रही है ना देखे ऐसे AM ये रहा देखो अमृतसरी महाराजा इंडियन कुजीन लेट्स गो उम्मीद करते हैं बस खाना टेस्टी हो यार यहाँ पे ओह अरे वाह इंडियन गाने तो हमने इनको टेबलों को ज्वाइन करा लिया साइड में तू क्यों इधर आ गई भाई तुम्हारे बिना नहीं बैठ पाऊंगा नहीं तुझे बेटा तू अपनी स्नैप ऑडियंस से बहुत प्यार है तेरे को ये हर जगह अपडेट करती रहेगी बट बहुत अच्छी पेंटिंग्स बन रही है यहाँ पे यार बहुत ही सुंदर करो ऑर्डर जल्दी से फिर रोगे तीनों कुछ नहीं मैं करो फिर रोते रहोगे कि इंडियन नहीं मिला इंडियन मिला जल्दी खा लो गाइस एक बार देखो जरा ये साइज है ग्लास का तुषार से भी लंबा हम दोनों ने छाछ मंगाई है इन सब ने मंगाया कुछ और खाना खाने के बाद हमारे अंदर 2-3 दिन का रिचार्ज और हो गया है क्योंकि 4 दिन बाद हमने अच्छा खाना खाया हाँ। ऐसा लग रहा है ये खाना खाने के बाद अब 4-5 दिन और झेल सकते हैं हम बट लालच ऐसा करेगा कि डेली हर टाइम ऐसे ही खाना खाओ है ना हाँ। यार लेकिन अच्छा खाना मिला था ये अच्छा मिला अब ये स्ट्रीट देखिए भाई पूरी बदल जाएगी ये जो है ना क्या नाम है इसका ये पतोंग बीच ये बंगला रोड है और रात में देखिए भाई अलग दुनिया है ये वाह क्या सिनेमैटिक व्यू आ रहा है भाई आ रहा है ना सिनेमैटिक एकदम रोहित भाऊ तो यहाँ पर पैरासीलिंग होने वाली है अभी वाओ गाइस बीच पर इतना मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकता भाई इतना अच्छा ब्यूटीफुल सनसेट है हमारे सामने वाओ अब मेरा तो मन ही कर रहा है कि मैं शांति में से बैठ जाऊं और निहारता रहूं नेचर को एक बार आप सनसेट देखो यार कितना सुंदर है यहाँ पे अभी ये कोई फिल्मों का नजारा नहीं है ये एक्चुअल में मैं ऐसे ही देख पा रहा हूँ अभी
आप लोग देखो हमारे रोहित भाऊ ने क्या करा है यहाँ पे। वेल डन कलाकार भाऊ। क्या हुआ गाइस? मजा आ गया। अच्छा लगा ना? फोटो सेशन बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे ना। पीसफुल देख हमने ले। well done! So guys, अब हम जाएंगे यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट पे। चले सब रेडी गाइज। ये है असली थाईलैंड जिसको हम सुनते हैं किससे कहानियों में, ठीक है? तमीज से रहना, तुम्हारे घर वाले भी व्लॉग देखेंगे, याद रखना ठीक है। चलो हाँ तो गाइज कैसा लग रहा है आके? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। वैष्णवी देख ले। तू बता, तू अच्छा लग रहा है? आंटी जी, आंटी भाई, हमने आज कमेंट पढ़े, एक दो कमेंट आ रखे थे, कोई लड़की तुषार से शादी करना चाहती है। हाँ, मेरे लिए स्नैप आया है। क्या? एक लड़की है तुषार से शादी करना चाहती है। शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इससे कर लो, लगे हाथ हम यहीं आ जाएंगे, इधर ही कर लो। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा यार। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन वो डांसर है, जादूगर का बन गया, बस अच्छा डांसर ही है वो। बहुत एक्सप्लोर कर लिया हमने स्ट्रीट को, तीन बार आ चुका हूँ मैं तो, शायद चौथी बार था मेरा यहाँ पे। तो अब कई मसाज कराने जा रहे हैं हम लोग, फुट मसाज कराएंगे आधे घंटा और फिर देखेंगे उसके बाद क्या डिसाइड होगा। वैसे भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा पहली बार का? अच्छा था। क्या अच्छा था, क्या अच्छा लगा? वैसे तो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा साइड वाइड। फिर क्या अच्छा था भाई? जैसे उसकी डेकोरेशन। सुधर जा, सुधर आई समझ। और तू यहाँ है शादीशुदा आदमी, बेशरम, इधर देख, इधर देख, इधर। यहाँ तू क्या तालियां मार रहा था वहाँ? मैं क्या तालियां? ए नीतू, रोहित कैसे सीटियां मार रहा था वहाँ? हाँ, दो तीन लड़कियों को देख के सीटियां मारी। अरे हेलो कर रहा था। मैं पुनीत का ही मान सकती हूँ, सैंडी का ही मान सकती हूँ, तुषार का ही मान सकती हूँ, लेकिन मैं इसका नहीं मानती। नहीं, इसका भी नहीं यार, सैंडी का भी नहीं है। ये नहीं मानेगा। अरे एक तो मान ले, पुनीत का मान सकते हैं। ये सीधा, एक काम करो, तुम लोग पुनीत को इतना सुतवाओगे ना इस बार जब वो पुनीत सर पहुंचेगा। इसका नाम ले, इसको छोड़ के, ये हमारा सीधा लड़का है। चल भाई, इस चीज में तो सेफ है तू। यार इधर करा लेते हैं तू मसाज, ये तो रहे सब भाई, होटल वगैरह ले देना। भाई हमारी बहन बहुत थक गई है। सही है तेरा दीदी, एंजॉयिंग लाइफ, थाईलैंड लाइफ। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। शी क्राय, आई गिव यू टिप, ओके? भाई इतना तामझाम रखा जितना हमारे यहाँ बार बार रखते हैं। तो गाइस हमारा फुट मसाज हो गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने तो बहुत हार्ड बैलून से करवाया। वैसे तो हमारी बहन ज्यादा मसाज की शौकीन है नहीं, बट यहाँ इसने दो दो बार करा लिया। हाँ, ये कैसा पानी दिया बहन? सुन, होटल में ना बहुत छोटी छोटी बॉटल, ये पानी कैसे, पानी की बॉटल रख के ले चलेंगे, ठीक है? अरे मतलब एक तो इतनी सी है, मैंने कहा और छोटी कैसे होगी भाई, जमीन में घुस गई बिल्कुल, देख के चल। तो यही मैं पानी की कार्टन लेके चलूंगा यार। भाई जी देखो, कांच वाली कोक मिली, काफी टाइम पहले पी थी मैंने, बचपन में पिया करता था, अब तो ज्यादातर प्लास्टिक बॉटल्स में आती है। यूट्यूबर नीतू, तू मतलब सीरियस हम इसमें जाने वाले हैं?
तो ये तो कैब से भी महंगा है। कितने? 500 कह रहा था, अभी उसने कुछ करा होगा पता नहीं। ये इसके किसी वाली चीज के भाई 500 रुपए बनते हैं जब कैब कम में है तो। ये कह रहा है चढ़ाइए ना। अरे रहने दे रहे, क्या हम क्या कंधे पे ले आके चढ़ाएगा क्या? छोड़ो भाई, वहाँ चल रहे हैं उस पर। मुझे कैब ले लेते, मैं तो कह रहा हूँ चढ़ाइए, कहीं उल्टा पलट जाए। उसे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं अपने ऊपर यार। तेरा मन है ना जाने का इसमें? मन नहीं है मेरा, मन आया वो। गाड़ियों में तो ऐसे बैठते हैं यार। चल भाई तूफान कर ले, चल ये पिएगी भाई। सीरियसली हम इसी में जा रहे हैं। नीडियो में गाने प्ले कर सकते हैं अपना, कनेक्ट कर ले। यू प्ले, यू प्ले, वो पूछ रहा है। भाई कमाल का दिन था आज। अब इन लोगों को इनके हमने रूम में छोड़ दिया, हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। बट सच्ची मजा आ गया आज यार। कैसा था? तू फंडे था ना एकदम? हाँ, आज बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा लगा मेरे को तुषार रोहित को देख के यार, उन्होंने इतने मजे किए। उनको देख के तो अच्छा लग रहा है कि यार हम सब लोग बाहर ट्रैवल कर पा रहे हैं। पता है जब हमारी टीम बन रही थी ना स्टार्टिंग फेज में, तो हम सब ना बात करा करते थे। मैंने कहा यार हम ना इतनी मेहनत करेंगे कि हम ट्रिप पर जाएंगे और इंडिया से बाहर। मैंने कहा इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर सब लोग जाएंगे साथ में। तो शुरुआत में इनसिक्योरिटी होती है सबसे, है ना। मैं शुरू से एक ही चीज बोलता हूँ भाई, बारिश बरसेगी तो सबके आंगन में बरसेगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यार मेहनत करेंगे तो ग्रोथ सबकी होगी, फाइनेंशियली सोशली जैसे भी होगी। और नो डाउट लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया एंड दे डिजर्व टू बी हियर यार। बाकियों का जिनका भी पासपोर्ट नहीं बना हो या नहीं यहाँ पर, जैसे कि हमारा पुनीत नहीं जा पाए तो संडे नहीं मना करते। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग और बड़ी टीम लेके आएंगे और हम और अच्छे ट्रैवल करेंगे। अभी क्या हमने सोचा है, हर मंथ कम से कम एक ट्रिप तो लगाना आउट ऑफ इंडिया। और घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको घुमाएंगे वर्चुअली। लगन मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे से बोलूँ, हमारी पड़ोस में आंटी रहा करती थी, वो गढ़वालन थी। अब वो देख रही होंगी व्लॉग, नहीं तो बदनाम कर रही है। पहले रहती थी वो, पता है हर बार के पीछे पीछे ऐसे बोलती थी, जैसे मैं बोल रही थी, मेरी मम्मी इरिटेट हो जाती थी बहुत। पहुंच गए हम। ओके, हमारा बिल आ गया। सो गाइस, अब हमारा रूम बदल चुका है हमारे ऑफिस में। और इतनी सारी पानी की बॉटल्स लाया था मैं, इसको खोल के ना फ्रिज में डाल देता हूं क्योंकि गर्म है बहुत। सो गाइस, कल मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। मुझे पता है आप लोग लाइक करना भूल गए हो। वीडियो अच्छा लगा आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।